ओके ऑल गुड लेट्स गो। तो मैं हमीर और आपका मातिन क्रिकेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं क्रिकेट टॉक के एक नए एपिसोड लेकर सुनम आज हम बात करेंगे आईपीएल 2019 और आईसीसी वुमेन वर्ल्ड टी20 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो जाने के लिए बिल्कुल आज तक जरूर देखते रहिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड टी20 के बारे में। तो दोस्तों इंडिया का लास्ट मैच हुआ था 11 नवंबर को, इंडिया वुमेन्स वर्सेस पाकिस्तान वुमेन। इस मैच पे इंडिया ने जीत हासिल कर लिया था, टोटल 7 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया था। और इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच रहा मिथाली राज, उन्होंने टोटल 56 रन बनाया था जो इंडिया के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ। उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करा इंडिया और जीत हासिल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो मैच होने वाला है इंडिया वुमेन्स वर्सेस आयरलैंड वुमेन 15 नवंबर को रात 8 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इस मैच को ऑनलाइन हॉटस्टार पर यूट्यूब पर देख सकते हो और टीवी में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। तो ये तो गया आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड टी20 के बारे में कुछ न्यूज इंडिया टीम से जुड़े। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आईपीएल 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बारे में। तो आईपीएल 2019 से जुड़े पहला न्यूज है कि न्यूजीलैंड के सभी खिलाड़ी को आईपीएल 2019 में पूरा सीजन खेलने के लिए अनुमति मिल चुका है न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग तो जानते होंगे कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी आईपीएल 2019 में पूरा सीजन नहीं खेलेगा। अप्रैल के महीने में वो सभी अपने देश चला जाएगा और वहां पर ही वो खेलेगा क्योंकि उनको वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करना है। लेकिन यहां पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के सभी खिलाड़ी को अनुमति दे दिया है कि वो आईपीएल के पूरा सीजन ही खेल सकता है। तो ये खबर आईपीएल 2019 के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि न्यूजीलैंड के सभी खिलाड़ी अगर रहेगा तो शायद आईपीएल 2019 थोड़ा बहुत कंट्रोल में रह सकता है। अगर सारे विदेशी खिलाड़ी चला जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ सकता था आईपीएल 2019। लेकिन यहां पर न्यूजीलैंड के सभी खिलाड़ी मौजूद रहेगा तो थोड़ा बहुत तो फायदा आईपीएल 2019 में हम लोगों को मिलेगा। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों केकेआर से जुड़े। तो दोस्तों केकेआर ने मिचेल स्टार्क को रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे कारण आपको तो पता लग गया ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया के सारे खिलाड़ी पूरा सीजन नहीं खेलेगा आईपीएल 2019 में, इसीलिए शायद केकेआर मिचेल स्टार्क को बाहर कर दिया है। किसी खिलाड़ी अगर किसी टीम को पूरा सर्विस नहीं दे पाता है तो क्या फ़ायदा रहेगा टीम में रहने का। और उनके ऊपर केकेआर ने तो 9.5 करोड़ खर्च कर दिया था पिछले साल, तो शायद उसके कारण उतना बड़ा अमाउंट मिचेल स्टार्क रिजर्व नहीं करता है हाफ सीजन के लिए। तो इसलिए केकेआर ने उनको रिलीज़ कर दिया और उनके अकाउंट में अब 9.5 करोड़ ऐड हो चुका है जिसके बदले वो और भी बहुत ज़्यादा प्लेयर खरीद सकता है, 2-2 प्लेयर भी खरीद सकता है। और दोस्तों इन सभी के अलावा केकेआर ने एक बार मिचेल स्टार्क को पूछा था कि क्या आप गारंटी देते हो कि आप आईपीएल 2019 में आएंगे और हाफ सीजन भी खेलेंगे। तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने कोई भी गारंटी नहीं दिया था जिसके चलते केकेआर ने उनको और भी ज़्यादा मजबूती से रिलीज़ कर दिया। तो आपका क्या राय है इस बारे में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या केकेआर के लिए एक गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है ज़रूर कमेंट कीजिए। और इसके बाद एक और बड़ा न्यूज़ निकल के आया है आज ही आईपीएल 2019 से जुड़े। तो दोस्तों वो न्यूज़ है कि सीएसके ने 3 खिलाड़ी को रिलीज़ कर दिया है आईपीएल 2019 के ऑक्शन के लिए। तो दोस्तों पहला खिलाड़ी है माकुर, जो इंग्लैंड का एक खिलाड़ी आप लोग जानते होंगे। उनको पिछले साल ऑक्शन से 1.5 करोड़ में खरीदा था सीएसके ने, लेकिन वो अपना आधा सर्विस दिया था पिछले साल और नेशनल टीम को ज्वाइन कर लिया था और इस साल भी वैसा ही होने वाला है जिसके चलते सीएसके ने उनको इस बार पहले ही रिलीज़ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी है दोस्तों कनिक सेठ और दूसरा खिलाड़ी है सितीश शर्मा। तो दोस्तों इन तीनों खिलाड़ी को सीएसके ने रिलीज़ कर दिया है और सीधा चला गया है तीनों खिलाड़ी ऑक्शन में। अब चलिए इसके बारे में कुछ भी और अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों 15 नवंबर को आईपीएल के सभी फ्रेंचाइजी जमा देने वाला है बीसीसीआई को अपना रिलीज खिलाड़ियों का लिस्ट और ट्रेड खिलाड़ियों का लिस्ट। तो दोस्तों कल बहुत ही बड़ा न्यूज़ सामने आने वाला है आईपीएल 2019 से जुड़े। तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टेक्निकल की इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। डेली आईपीएल 2019 इंडियन क्रिकेट से जुड़े मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।